सनातन धर्म के साथ बीजेपी, बाबरी मस्जिद के साथ खड़ी बीएसपी, बाबरी के दीवाने माया के भतीजे, आकाश को याद आया मुस्लिम प्रेम, चुनाव से पहले ये कैसा संयोग, हिंदू विरोधी तो मुस्लिम बने भाईजान, मायावती का माया जाल, क्या फंस जाएगा मुस्लिम वोट। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में इस वक्त मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद फुल टू फुल जोश में नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो इस वक्त आकाश आनंद अपने जबरदस्त संबोधन को लेकर लगातार छाए रहते हैं। मायावती ने आकाश आनंद को यूपी की कमान देकर सही किया है या फिर गलत, ये तो वक्त और परिणाम ही बताएगा। लेकिन आकाश आनंद इस वक्त एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर और सनातन धर्म कार्ड खेलकर विपक्ष की घेराबंदी करनी में जुटी है, तो वहीं इसी बीच बसपा ने ईद के मौके पर खुलकर मुस्लिम कार्ड भी खेला है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने मथुरा में साफ कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार में मथुरा में बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने वोटर से अपील की और कहा कि वोट के नाम पर बीजेपी को कटोरा थमा देना। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और मुद्रास्फीति के मुद्दे पर कुछ नहीं किया है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। यही भाजपा थी जिसने बीपी सिंह की सरकार को तोड़ने का काम किया था, जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया, बहन जी के दबाव, मान्यवर के दबाव में आकर इन्होंने आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपकी महंगाई कम नहीं करी। इन्होंने एक ही काम किया है पिछले 10 सालों में, इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने वोटर्स को सलाह देते हुए कहा कि अगर बीजेपी आप पर धर्म थोपने की कोशिश करे तो उन्हें बताएं कि अगर हमारे बच्चे भूखे हैं तो धर्म से कोई सरोकार नहीं, हमारा पहला धर्म हमारा रोजगार और शिक्षा है। उन्होंने कहा कि आए दिन पेपर लीक होते हैं और सरकार को नौकरियां रद्द करने का बहाना मिल जाता है, जिससे युवा निराश होते हैं। आकाश ने पार्टी कैडर को आगाह किया कि वे उन लोगों से सतर्क रहें जो मायावती के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने कहा जो लोग उनके खिलाफ बात करते हैं वो आंदोलन के खिलाफ है, जो लोग मायावती के खिलाफ है वे कांशीराम, अंबेडकर, बसपा और संविधान के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर होते हुए आकाश ने कहा ये लोग लाल टोपी पहनकर आपके पास आते हैं, लेकिन इस बार आप उनसे सतर्क रहें, साइकिल को पंक्चर करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना हाथ दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाती है और पिछले 60 वर्षों में उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज पर अत्याचार किए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीएसपी ने मथुरा में मुस्लिम प्रेम जो जताया है तो क्या वो लोकसभा चुनाव में काम आएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।